हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की ट्रिक्स। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को। और स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेज की है, या आप लोग RRB NTPC या ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज़ सर्च कर रहे हैं, या SSC का जैसे भी CGL का नोटिफिकेशन आया है, बैंकिंग के बहुत सारे नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आए हैं, डिफेंस की टेस्ट सीरीज़ हो गई, स्टेट लेवल पुलिस हो गया जैसे आपका BSI, UPSI, तो ये सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन तैयारी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोगों को स्टूडेंट्स कूपन कोड यूज़ करना है Diwali35। और ये कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको मिलेगा तैयारी प्लस पर 35% का ऑफ। तो स्टूडेंट, इस कूपन कोड को यूज़ करना ना भूलें, क्योंकि ये दिवाली होनी चाहिए स्टूडेंट। इस दिवाली पे आपका मोटिव होना चाहिए कि अगली दिवाली जो आपकी हो वो सरकारी दफ्तर वाली हो। तो क्या बनता है मोटो, कि अगली दिवाली सरकारी दफ्तर वाली। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो टॉपिक लिया है मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, इसकी कैलकुलेशंस होती हैं पॉइंट में। जैसे सबको पता है कि रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का होता है 3, बट अगर कोई आपसे पूछ ले कि रूट 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वहाँ पर हमारे पसीने छूट जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इसका हम वैल्यू कैसे दें। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज की क्लास क्या फॉर्मूला, क्या फंडा मैं नया लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को हमें कुछ इस तरीके से तोड़ना होता है, एक्स प्लस माइनस वाई। और इसका वैल्यू जगह पे जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं रूट का एक्स प्लस माइनस वाई अंडर रूट 2√x। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स पूरे इस कैलकुलेशन में, पूरे इस क्लास में यूज़ करना है आपको, और बहुत इजी होता है कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको यूज़ करना है √5। अब √5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4+1। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो ये एक्स वाली वैल्यू है, एक्स वाली वैल्यू हमेशा लीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर, जो ईजिली जिसका स्क्वायर हमें मिल जाए। ये कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर मत लेना। जैसे 5 था तो 3+2 कभी मत लेना, 4+1 ले लो, 5 हो गया, 9-4 ले लो, वहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ठीक, देखते हैं हम। चलो, ये वाली वैल्यू डिनोट करती है एक्स और ये वाली वैल्यू डिनोट करती है वाई। रूट एक्स यानी √4 प्लस, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस है तो यहाँ पर भी मेरा प्लस का ही सिंबल आएगा। क्लियर? तो वाई की जगह पे क्या लिखना है, 1 एंड अपॉन में नीचे 2 तो रहेगा ही, अंडर √4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, √4 को खोलोगे 2+1 अपॉन में 2 × 2, यानी क्या निकल कर आया वैल्यू, 2+1/4। क्या निकल कर आया स्टूडेंट, 2+1/4, और 1/4 की वैल्यू क्या हो गई, 0.25। तो यहाँ पे हम अंडर √5 का क्या निकल कर आ गया हमारा, 2.25। क्लियर स्टूडेंट? तो आया आप लोगों को समझ में क्वेश्चन? इसी तरीके से हम ट्रिक यूज़ करेंगे, हम 6-7 क्वेश्चन और देखते हैं अभी क्लास में, 4-5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। तो देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस बार एज्यूम करते हैं हमें निकालना है 14 का स्क्वायर रूट। अब 14 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, 14 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। देखिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं मैं तो क्या हो सकता है, 9+5 या फिर 16-2 = 14। तो यहाँ पे दो ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हो रही हैं जहाँ से मेरी कैलकुलेशन ईजी हो सकती है। तो चलिए इसे माइनस वाले उससे करके देखते हैं। √14 को मैं लिख देता हूँ 16-2। क्लियर? रूट एक्स की जगह पे क्या आया, 16, माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, वाई की जगह पे आ गया 2 अपॉन में 2 अंडर √16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर √16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2 अपॉन 2 × 4,
टू से टू कैंसिल हो गया, टू से मेरा टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, फोर माइनस वन अपॉन फोर, और वन अपॉन फोर की अभी फ्रैक्शनल वैल्यू हमने निकाली थी क्या होती है, 0.25, तो 4 माइनस 0.25 यानी जो अंडर रूट 14 आएगा क्या आएगा, 3.75। अंडर रूट 14 क्या आया स्टूडेंट्स, 3.75। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 29 का स्क्वायर रूट। 29 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो 29 को मैं लिख सकता हूं 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 लिख सकता हूं मैं इजिली। अब देखो सॉल्व करते हैं, अब इस बार रूट ना लेकर के, अब देखो टाइम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। रूट 25 की फ्रैक्शन, रूट 25 का क्या होगा स्क्वायर रूट, क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, यहाँ प्लस था यहाँ लिखा प्लस, 4 अपॉन में 2 रूट एक्स है, रूट एक्स क्या हो जाएगा 5, तो 2 इंटू 5, 2 से इसे काट दोगे 2, तो क्या बन गया 5 प्लस 2 अपॉन 5, यानी 5 पचे 25, 27/5। तो इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 2 0 5 चौक 20, तो 5.4 आ गया रूट 29 का स्क्वायर रूट। रूट 29 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आया स्टूडेंट, 5.4। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और अगला एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा जल्दी, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी कैसे करना है। चलिए अगला लेते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर, रूट 41। अब रूट 41 को मैं लिख सकता हूं 36 प्लस 5 या फिर 49 माइनस 8। क्लियर? तो यहां पे जो नियरेस्ट होता है वो लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। इसको लिख दिया मैंने रूट 36 प्लस 5। क्लियर? अब रूट एक्स यानी रूट 36, तो यहां पे क्या हो गया 6 प्लस था 5 अपॉन में 2 इंटू 6। क्लियर? यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5/12। सॉल्व कर लो, 12 छिंग 72, इसको एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 12 छिंग 72 5 77/12। सॉल्व कर लो, 12 छिंग 72 5 0 यानी 12 चौक 48 और 2 0 यानी 12 एकम 12, तो 6.41 के करीब होगा इसका स्क्वायर रूट। 6.41 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ी डिजिट लेकर के देखते हैं। इस बार स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं 79। अब देखो 79 अगर हमने लिया है तो 79 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 माइनस 2। 81, ये 81 वाली वैल्यू किसको डिनोट करती है, x को, और ये 2 वाली वैल्यू किसको डिनोट करती है, y को। रूट एक्स यानी 81 का रूट क्या हो जाएगा, 9। माइनस है, माइनस का साइन आएगा, y की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 अपॉन में 2 इंटू 9, 2 से 2 कट गया, 9 माइनस 1 अपॉन 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 9 81 81 माइनस 1/9 यानी क्या हो गया, 80/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 8 72 8 0, फिर 9 8 72 दोबारा आ गया, 8.8 आ जाएगा हमारा इसका स्क्वायर रूट। क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब मैं फॉर्मूला हटा रहा हूं, अब फॉर्मूला हमें अपने दिमाग में याद रखना है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 119। रूट 119 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी इसे मैं लिख सकता हूं 121 माइनस 2। क्लियर? रूट एक्स यानी रूट 121 क्या हो जाएगा, 11 माइनस वाई की जगह पे 2 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स यानी 2 इंटू 11। क्लियर? 2 से 2 काट दिया, 11 माइनस 1/11, तो 11 का इस एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 121 माइनस 1/11, 120/11। सॉल्व कर लो, 11 एकम 11 कितना बचा, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 0 और 11 99, यानी तो 10.9 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास इसी के साथ यहीं पर एंड करता हूँ।
अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन क्वेश्चन का सही रिप्लाई देते हैं। अगर किसी को भी इस कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आई है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आप लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक स्लाइड बना करके एक क्लास और कर लूंगा मैं आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन जो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको क्या है, √137, √73। थर्ड क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट 233, और फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 316। क्लियर? तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है और वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जितने यूज़र्स ने अभी तक ऑनलाइन तैयारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आप लोगों को सारी क्लासेस मिलती रहें। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं रात को 9 बजे अगली क्लास, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बोट एंड स्ट्रीम। आप सभी को दिवाली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ इस दिवाली आप और एक प्लेज लेंगे कि आपको और मेहनत करनी है ताकि जो मैंने कहा मोटिव, तो वो मोटिव आप लोगों का पूरा हो सके कि अगली दिवाली सरकारी दफ्तर वाली। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं रात को 9 बजे अगली क्लास में। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। और स्टूडेंट अगर अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है तो दिवाली35 कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। ये कूपन कोड यूज़ करके आप पा सकते हैं 35% का ऑफ, और ये कूपन कोड दिलाएगा आपको आपकी सपनों की नौकरी। क्लियर? आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।